एक्सक्लूसिव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं आपसे कुछ ही मिनटों के बाद, नॉन स्टॉप कवरेज चलेगी, ये चैनल पूरी डिटेल में जाएगा। लेकिन बड़ी खबर, नेटो एक कदम दूर, किससे? रूस से। बात फिनलैंड की, जिसकी नेटो की सदस्यता को लेकर पिछले 24 घंटे से हलचल है। नेटो में शामिल हुआ फिनलैंड। ब्रेक करें विद द विजुअल्स। ब्रुसेल्स के नेटो हेडक्वार्टर में ली सदस्यता। ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर में फिनलैंड का झंडा फहराया गया। नेटो का 71वां सदस्य बना फिनलैंड। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर साइन किए गए। इस सब के बीच में प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेटो में फिनलैंड का किया स्वागत। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन पर बोला बड़ा हमला। विद द विजुअल्स राहुल। पुतिन नहीं तोड़ पाएंगे यूरोप, नेटो एकता, ये बाइडेन ने कहा। बाइडेन के विजुअल्स, नेटो की एक एक इंच जमीन की रक्षा करेंगे, बाइडेन ने कहा। नेटो सुरक्षा के लिए हर चुनौती से लड़ने को तैयार, बाइडेन ने कहा। नेटो में फिनलैंड की एंट्री, नए युद्ध की घंटी, ये बड़ा सवाल है। नए युद्ध की घंटी, ये सवाल अपने आप में खड़ा हो रहा है। सीधा आइए, नेटो का नया मेंबर बन गया है फिनलैंड, ये लेटर है और ये तस्वीर है। फिर ब्रुसेल्स के नेटो हेडक्वार्टर में सदस्यता ली गई, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। फिर फिनलैंड की एंट्री से नेटो के सदस्य देश जो हैं वो 31 हो गए हैं। नेटो में फिनलैंड की एंट्री, नए युद्ध की घंटी। अगली खबर ध्यान से देखिए, सीधे ब्रेक कर रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है कि फिनलैंड को लेकर रूस भड़क गया। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करें। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर रूस की धमकी। नेटो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा, पेस्कोव ने कहा। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए। फिनलैंड में नेटो फोर्स आई तो दंगे देंगे जवाब, रूस ने कहा। रूस ने बाल्टिक से बैरेंट्स सी तक युद्ध अभ्यास की घोषणा की। तीनों ब्रेकिंग दिखाइए। बाल्टिक सी से लगने वाले 4 नेटो देश को घेरेगा रूस, बड़ी खबर आ रही है। सीधे आइए, बड़ी खबर, रूस के साथ नेटो देशों के बॉर्डर। मैं चाहूंगा राहुल इस ब्रेकिंग और शॉर्ट्स को नीचे प्ले ऑन करिएगा, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है अपने दर्शकों को। सीधे वॉल दिखाइए। अब नेटो देश जो हैं, 5 नेटो देश, अब नाउ नीचे ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। 5 नेटो देश जो हैं वो 1213 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं। अकेला फिनलैंड जो है 1340 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है, यानी कुल बॉर्डर जो है वो अब 2555 किलोमीटर का बॉर्डर रशिया के साथ शेयर किया जा रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। इस सब के बीच में मैं आपको दिखाता हूं वो कौन कौन से देश हैं। नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, 6 देश ऐसे हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। नेटो में फिनलैंड टेंशन में, रूस। सीधा आइए, बिग वॉल दिखाइए यहां पर राहुल, बड़ी खबर है। क्या हुआ है ये जो बॉर्डर है 1340 किलोमीटर का, इससे क्यों टेंशन हो रही है? फिनलैंड के नेटो में आने से रूस परेशान है, नंबर 1। नेक्स्ट दिखाइए, चेंज करिए। पुतिन ने पिछले साल फिनलैंड को वार्निंग दी थी, हम सब जानते हैं। नेटो में फिनलैंड को रूस अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। नेक्स्ट दिखाइए। एक देश की सुरक्षा दूसरे के दम पर नहीं हो सकती, रूस ने कहा। नेक्स्ट दिखाइए। 1340 किलोमीटर के रूसी बॉर्डर पर नेटो सेना की तैनाती संभव है। नेक्स्ट दिखाइए। फिनलैंड रूस बॉर्डर पर अब अमेरिकी एयरबेस संभव है। नेक्स्ट दिखाइए। नेटो चाहे तो एस्टोनिया फिनलैंड के बीच नाकेबंदी कर रूस को घेर सकता है। नेक्स्ट दिखाइए। फिर रूस का बड़ा शहर और आर्थिक राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग भी असुरक्षित हो सकती है।